तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। भाई एक गुड न्यूज आ चुकी है BS6 गाड़ियों के लिए। BS6 के जो पेट्रोल व्हीकल्स थे जिनके ऊपर CNG का अप्रूवल नहीं आ रहा था, तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब परिवहन ने सारा काम कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अप्रूवल इसको दे दिया है। अब उसके बाद फिटमेंट वालों के पास, जो CNG फिटमेंट वाले होते हैं, इनके पास अभी रेगुलेशंस आना रह गई है। तो रेगुलेशन आने के बाद आप अपनी गाड़ी के अंदर CNG इनसे फिट करवा लेते हो। हाँ, प्राइजेस इसके अंदर थोड़े से बढ़ जाएंगे CNG किट के लिए, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें। और ये रही भाई न्यूज़ की, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए भाई CNG LPG किट अपनी BS6 व्हीकल्स के अंदर, अब आप लगवा सकते हो। ये जो ड्राफ्ट था ये जनवरी के अंदर गया था, उसके बाद कल इसका अप्रूवल हुआ है। अब देखो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके बाद अब इनके पास ना रेगुलेशन आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि भाई जो 3.5 टन तक के डीजल इंजन वाले जो बड़े व्हीकल थे, कमर्शियल यूजेस में आते थे, वो भी अब CNG फिट करा सकते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, डीजल के अंदर भी CNG फिट होती है। उसके अंदर इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। आप भी देखते हो कि जो कंस्ट्रक्शन के ट्रक हैं, टाटा के बड़े बड़े ट्रक्स हैं, वो भी CNG के साथ आ रहे हैं। जो पुराने ट्रक्स हैं जो लोहरी करके आते थे, वो अब मॉडल बंद कर दिया है टाटा ने, बट वो भी CNG के अंदर लोग कन्वर्ट करवा लेते हैं। इस मिथ को दूरी रखिए कि भाई डीजल इंजन के अंदर CNG नहीं लग सकती, CNG लगती है डेफिनेटली। और चलते भी आप CNG स्टेशन पे जाओ, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ट्रक दिख जाएंगे जो बड़े बड़े इंजन वाले होते हैं, वो भाई डीजल इंजन के ही होते थे, उनको कन्वर्ट किया गया है CNG के अंदर। तो भाई रेगुलेशन नोटिफिकेशन आ ही चुका है, अप्रूवल मिल ही चुका है लगभग में। तो भाई अब आप गाड़ी के अंदर, जैसे मान के चलो भाई CNG क्या है, पेट्रोल से सस्ती है, 20 रुपये सस्ती है किसी जगह पे, 15 रुपये सस्ती है, ज़्यादा फर्क तो बचा नहीं है, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट पड़ जाती है। भाई जैसे ही इसकी रेगुलेशंस आती हैं और ये काम चालू होगा, मैं फिटमेंट भी दिखाऊंगा BS6 का, और जो किट के प्राइजेज हैं उनमें क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा। कौन कौन सी कंपनी की किट इसके अंदर अब आ रही हैं, क्या BS4 वाली ही किट इसके अंदर लगेंगी या कुछ चेंजमेंट होगा। तो भाई थोड़ी मोटी चेंजमेंट तो होगी क्योंकि BS6 गाड़ियों के अंदर काफ़ी कुछ चेंजमेंट है। तो यहीं करता हूँ वीडियो एंड, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।